प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू तनवीर्स मैथ्स क्लास। आप आज पढ़ेंगे बोडमास का लेवल 3। अब ये हमने इसमें सिंप्लीफिकेशन के लिए 5 सम्स रखे हैं, 5 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, जिसको हम ये आपके सामने सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। नंबर वन क्या कहता है? 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 5 माइनस 3। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं बोडमास रूल क्या है, बी फॉर ब्रैकेट्स, ओ फॉर ऑफ, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, इंटू और पावर और रूट्स, ऑर्डर, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 10 पे पावर है 2, 10 स्क्वायर, 10 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 प्लस 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 2 प्लस 5 माइनस 3। ठीक है बच्चों, दिस इक्वल्स टू 100। अब इसका काम होगा सबसे पहले इंटू 1 बाई 25 इंटू 2 प्लस 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 25 फोर जा 100। तो यहाँ कितना बच गया, 4 इंटू 2 प्लस 5 माइनस 3 एंड दिस इक्वल्स टू 4 टू जा 8 प्लस 5 माइनस 3। 8 प्लस 5 कितना हो गया, 13 माइनस 3 इज दिस इक्वल्स टू 10। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, तो बड़ा इजी था हाँ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, 49 डिवाइडेड बाय डिवीजन साइन 7 डिवीजन साइन 1 और 3 डिवीजन साइन 10। ये आपका सम है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह इसमें सारा डिवीजन है। ठीक है, इस तरह का सम हो तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। राइट टू अगर लेफ्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपका सम गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए इसको याद रखिएगा, सॉल्व करने का तरीका फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं की तरफ इसको सॉल्व करना। तो चलिए क्या हो जाएगा, 490 इंटू 1 बाई 49 इंटू 1 बाई 7, सब लटते चले जाइए, इंटू 1 बाई 1 इंटू 1 बाई 10। ठीक है, फॉलो कर रहे हो? चलो 49 10 सा 49 कट गया, 10 से ये कटेगा 10, कितना बचा यहाँ पे 1 बाई 7। कितना इजी था, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले किसका काम होगा, स्मॉल ब्रैकेट, इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, सबको एज इट इज छोड़ते चले जाएंगे, बस कॉपी कीजिए। 1 प्लस 1 डिवीजन साइन 1, अब इसको ऐड मत कर दीजिएगा, 1 प्लस 1 2, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो 1 डम रूल को, बोडमास का जो रूल है बच्चों, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, अगर उसका वायलेशन करोगे तो तुम्हारा सम जो होगा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस 1, अब यहाँ पे 2 है, 1 बाई 2 कर दीजिए डिवीजन का काम। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।
इसको देखिए, इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, वन प्लस वन बाई टू, ठीक है, वन प्लस वन बाई टू को एलसीएम लेंगे, टू टू वन जो टू प्लस वन, ये आपका आएगा थ्री बाई टू, ये आपका थ्री बाई टू इज इक्वल्स टू वन डिवीजन साइन, वन प्लस वन डिवीजन साइन, उसके बाद वन प्लस वन, वन प्लस वन और डिवाइडेड बाई, यानी डिवीजन साइन कितना आ गया बच्चों यहाँ पे, इसका वैल्यू थ्री बाई टू। चलिए ठीक है, एंड दिस इक्वल्स टू वन डिवीजन साइन, वन प्लस वन डिवीजन साइन वन, अब इसको फिर यहाँ ऐड मत कर देना तो रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन, ये सम, चलो वन प्लस वन इंटू टू बाई थ्री। चलिए ये रिवर्स ऑर्डर में आ गया, अब यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या कितना हो गया बच्चों यहाँ पे, वन प्लस टू बाई थ्री इज इक्वल्स टू थ्री, थ्री वन सा थ्री प्लस टू कितना हो गया फाइव बाई थ्री, तो ये आपका फाइव बाई थ्री हुआ। एंड दिस इक्वल्स टू वन डिवीजन साइन, वन प्लस वन डिवीजन साइन, डिवीजन साइन फाइव बाई थ्री। चलिए कर ली ब्रैकेट, खत्म हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, दिस इक्वल्स टू वन डिवीजन साइन, वन प्लस वन इंटू, इसको उलट दीजिए, सॉरी थ्री बाई, थ्री बाई फाइव हो जाएगा ये, थ्री बाई फाइव, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे ये कितना हो गया थ्री बाई फाइव, वन डिवीजन साइन, वन प्लस थ्री बाई फाइव, ठीक है, तो वन प्लस थ्री फाइव, थ्री बाई फाइव को सॉल्व कीजिए, दिस इक्वल्स टू वन डिवीजन साइन, डिवीजन साइन, अब यहाँ पे पांच एलसीएम हो जाएगा, फाइव कितना मिलेगा, फाइव वन जो फाइव प्लस थ्री, ठीक है, तो ये आपको आ गया फाइव प्लस थ्री और दिस इक्वल्स टू वन डिवीजन साइन, पांच और तीन आठ, एट बाई फाइव, ठीक। चलिए वन इसको उल्टा कीजिए रिवर्स ऑर्डर में, फाइव बाई एट, तो आपके ये फाइव बाई एट जो है ये आंसर आ गया, ठीक है, वेरी इजी। अब हम लोग चलते हैं, चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम, ब्रैकेट में भी स्मॉल ब्रैकेट का काम सबसे पहले होगा, ठीक है, तो बाकी एज इट इज कॉपी कर दीजिए, 24 प्लस 13 माइनस 5 इंटू 1 बाई टू ऑफ 10 माइनस 45 डिवीजन साइन, 21 में से सीस कटाई कितना बचेगा, 15। चलिए 24 प्लस 13 माइनस 5, माइनस 5 इंटू 1 बाई टू इंटू ऑफ का काम कीजिए, इंटू 10 माइनस, इधर ब्रैकेट में भी इसको भी कर सकते हैं, 45 इंटू 1 बाई 15, 15 से 45 कटेगा, काटो 15, 3 इज 45, ठीक। चलो 24 प्लस 13 माइनस 5 इंटू 2 से 5 कट जाएगा, 10 सॉरी 2 से 10 कटेगा, 2 5 इज 10, 5 इंटू 5 माइनस 3, ठीक है, अब हो गया इजी, 24 प्लस 13 माइनस 25 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, 24 13 37 माइनस 28, 37 माइनस 28 9, ये आपका 9 आंसर हो गया, ठीक है, वेरी इजी। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, बोर्ड मार्क्स लेवल 3, क्वेश्चन नंबर
फाइव। चलिए ये लेवल थ्री का लास्ट सम है क्वेश्चन नंबर फाइव, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए कहाँ से काम शुरू करेंगे, ब्रैकेट से, दोनों ब्रैकेट का काम शुरू करेंगे। तो दिस इक्वल्स टू थ्री बाई फाइव डिवीजन साइन सेवन और फाइव का एलसीएम थर्टी फाइव, सेवन फाइव सा थर्टी फाइव। तो अब यहाँ से सेवन फाइव सा थर्टी फाइव, फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव, माइनस फाइव सेवन सा थर्टी फाइव, सेवन थ्री सा ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन माइनस वन बाई टू ऑफ। अब यहाँ पर ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको प्रॉपर या इम्प्रॉपर जो भी फ्रैक्शन हो उसमें इसको कन्वर्ट कर दें। चलिए टेन नाइन सा नाइन्टी प्लस सेवन, नाइन्टी सेवन, नाइन्टी सेवन डिवाइडेड बाई टेन, माइनस फाइव टू जा टेन प्लस वन एलेवन अपॉन फाइव, ये आपका। चलिए थ्री बाई फाइव डिवीजन ट्वेंटी फाइव में से ट्वेंटी वन घटाइए कितना बचेगा फोर, फोर बाई थर्टी फाइव, फोर बाई थर्टी फाइव माइनस हाफ ऑफ। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, टेन फाइव का एलसीएम कितना हो जाएगा टेन, टेन एलसीएम हो गया, टेन वन जा टेन नाइन्टी सेवन, फाइव टू जा टेन एलेवन टू टू जा ट्वेंटी टू, ठीक है। एंड दिस इक्वल्स टू थ्री बाई फाइव डिवीजन साइन फोर बाई थर्टी फाइव माइनस हाफ ऑफ कितना हो जाएगा, नाइन्टी सेवन में से ट्वेंटी टू घटाइए, सेवन माइनस टू फाइव, नाइन माइनस टू सेवन, सेवेंटी फाइव बाई टेन, ठीक है। अब ये कटेगा, इसको हम लोग काटेंगे, फाइव टू जा टेन फिफ्टीन, फाइव जा सेवेंटी फाइव। अब चलिए थ्री बाई फाइव डिवीजन साइन फोर बाई थर्टी फाइव माइनस हाफ इंटू ऑफ को चेंज किया, यहाँ कितना बच गया फिफ्टीन बाई टू, ठीक है, वेरी इजी। एंड दिस इक्वल टू थ्री अपॉन फाइव माइन इंटू थर्टी फाइव बाई फोर, ठीक है, माइनस फिफ्टीन बाई टू टू जा फोर, फाइव से थर्टी फाइव कटेगा बच्चों, फाइव सेवन जा थर्टी फाइव, तो यहाँ कितना बच गया सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन बाई फोर माइनस फिफ्टीन अपॉन फोर, ठीक है। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिए, फोर एलसीएम हो गया, तो यहाँ कितना बच जाएगा ट्वेंटी वन माइनस फिफ्टीन, ट्वेंटी वन में से फिफ्टीन घटाई कितना बचेगा सिक्स, सिक्स बाई फोर। अब ये कटेगा टू से, टू टू जा फोर, टू टू जा फोर और टू थ्री जा सिक्स, कितना आंसर आ गया थ्री बाई टू, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। आज मैंने बोर्ड मास लेवल थ्री का फाइव सम जो इसमें था उसको मैंने आपके सामने सॉल्व किया बच्चों। आई थिंक आप लोग इसको अच्छी तरह से फॉलो किए होंगे, तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए तनवीर सर के साथ, और जितने भी तनवीर सर के वीडियोज़ हैं उसको ज़रूर वॉच करते रहें, इससे आपको आपका मैथ का रिविज़न होता रहेगा और सारा कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।